उत्तराखंड में और आपके साथ में हूँ प्रदीप तरमोला। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं आप प्रवक्ता नवीर परसिल, जिनसे आज हम खास बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में। धन्यवाद। न्यूज स्टूडियो के सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। सर, सबसे पहले जो मेरा सवाल है, उत्तराखंड में पहले कांग्रेस और बीजेपी की सरकार ही देखने को मिली है, वहीं अब आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में चुनावी तैयारियां कर रही है। आगामी चुनाव में अब आम आदमी पार्टी भी दिखने लगी है, तो किस तरह की तैयारियां आपकी हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी दिख नहीं रही है, आम आदमी पार्टी स्थापित हो चुकी है। आज तक कोई ऑप्शन नहीं था, विकल्प नहीं था। उत्तराखंड की प्रबुद्ध जनता के सामने, जनता किस कभी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देती थी, उसको प्रचंड बहुमत दिया, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा, ये यहाँ ट्रेंड यहाँ पर चलता रहा, क्योंकि जनता के पास विकल्प नहीं था। अब आम आदमी पार्टी के तौर पर जनता के सामने एक सशक्त विकल्प है और एकमात्र विकल्प है आज की स्थिति में, जो 21 साल में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने उत्तराखंड की दुर्दशा कर दी है, उसको देखते हुए आज उत्तराखंड की जनता के पास भी और हमारे पास भी एकमात्र विकल्प है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी इस उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि हमारे नेता लगातार यहाँ पर दौरे पर हैं, हमारे क्रांतिकारी साथी घर घर जाकर पार्टी की विचारधारा को रख रहे हैं, कई रोजगार गारंटियाँ हमने यहाँ पर चलाई, कई यात्राएँ हमारी चली, कि हमारे लिए हमारी पार्टी का एजेंडा कितना महत्वपूर्ण है। उसी के तहत कल माननीय मनीष सिसोदिया जी, जो हमारे नेता हैं, उत्तरकाशी के दौरे पर थे और उन्होंने गंगोत्री जैसे पावन धाम से सुदूर उच्च हिमालय क्षेत्र से हमारे मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल कोठियाल जी को उम्मीदवार बनाया है, जिससे आप हमारे इरादों को देख सकते हैं कि हमारा संकल्प क्या है। जहाँ एक ओर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस समय पलायन की बात करके खुद पलायन कर रहे हैं और मैदानी सुरक्षित सीटों से लड़ना चाह रहे हैं, वहीं हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे को हमारी पार्टी ने उत्तरकाशी के गंगोत्री सीट से उतार कर ये संकेत दिया है कि उत्तराखंड के लिए हमारी पार्टी कितनी संकल्पबद्ध है। सर, अगर दौरे की बात की जाए तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी उत्तराखंड दौरे पर लगातार आ रहे हैं, वहीं अब आम आदमी पार्टी से भी वरिष्ठ नेता जो है उत्तराखंड के दौरे पर हैं। अब केजरीवाल जी भी उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नेताओं का दौरा और आम आदमी पार्टी के नेताओं के दौरे में अंतर है जी। इनके नेताओं का दौरा होता है लोगों को भ्रमित करके वोट अर्जित करने के लिए, जबकि हमारे नेताओं का दौरा होता है उत्तराखंड की जनता से जमीनी स्तर पर जुड़कर उनके विचारों को जानने के लिए, उनके मुद्दों को जानने के लिए और उनको ज़रूरतों को जानने के लिए और अपनी विचारधारा को उन तक पहुंचाने के लिए। इसलिए हमारे नेता सुदूर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भी जाते हैं, मैदानी क्षेत्रों में भी जाते हैं और रोड शो के माध्यम से जनता से मुखातिब होते हैं, रैलियों के माध्यम से जनता से मुखातिब होते हैं और जनसभा के माध्यम से भी जनता से मुखातिब होते हैं। तो हमारा तरीका और इन पारंपरिक दलों का तरीका भिन्न है जी। वहीं अगर बात की जाए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और इस दौरान कई अहम फैसले भी लिए गए हैं, चाहे परिसमिति की बात की जाए या फिर अलकनंदा होटल की बात की जाए। देखिए, आप ये देखें कि ये जो परिसंपत्ति विवाद है, ये किसने खड़ा किया? ये खड़ा किया तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गलत समझौता करवा करके और 21 साल तक चुप रहे, हमारी परिसंपत्ति में विवाद डाल दिया और 21 साल तक चुप रहे, जबकि पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास ट्रिपल इंजन की सरकार है। अगर ये सरकार चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन परिसंपत्तियों के विवाद को सुलझाने के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़े। आज जब 2 महीने चुनाव में रह गए हैं तो इनको परिसंपत्तियों की याद आ रही है और ये भाग रहे हैं, लखनऊ की दौड़ लगा रहे हैं और यहाँ हमारे पूरे प्रदेश में आज कर्मचारी आंदोलन में हैं, पूर्व सैनिक आंदोलन में हैं। तो सभी लोगों की आज पीड़ा है, उस पीड़ा को न देखते हुए ये एक नया राग अलाप रहे हैं परिसंपत्तियों का इस वक्त, जब आखिरी समय में, और अपना आकर्षण पैदा करके लोगों को भ्रमित करके वोट अर्जित करना चाहते हैं। लेकिन 2 महीने में क्या विवाद सुलझा लेंगे जो 5 साल में काम नहीं कर पाए? क्या ये 2 महीने में हरिद्वार की 5,500 हेक्टेयर भूमि का विवाद सुलझा लेंगे? क्या ये जो हमारा परिवहन का विवाद है उसको सुलझा लेंगे? क्या हमारे जो डैम हैं, टेहरी डैम है, बनबसा डैम है, कालागढ़ है, आपका बाजपुर डैम है, इसका मुद्दा सुलझा लेंगे? क्या तमाम आवासीय कॉलोनियों का जो मुद्दा यहाँ पर है उसको सुलझा लेंगे? तो हजारों करोड़ की परिसंपत्ति आज हमारी अधर में लटकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार होते हुए भी आज तक इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है। अब चुनावी समय में केवल दौड़ भाग इनकी दिखाई दे रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि चुनावी समय में दौड़ भाग दिखाई दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी वादे तो कर रही है, लेकिन उसके बीच में जो एक लग रहा है तो अगर आम आदमी पार्टी आती है तो ये कार्य होंगे। देखिए, सत्ता से ही सब कुछ हो सकता है, क्योंकि सत्ता
पावर का केंद्र है, जहां जनता का पैसा इकट्ठा होता है, जनता के पैसे को जनता को ही समर्पित करने के लिए सत्ता बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए तो लगता है अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो ये हो पाएगा। आप देखते हैं, हम दिल्ली में आए तो सब कुछ हो गया जी। तो वहाँ सब कुछ हो गया है, अब यहाँ सब कुछ होना बाकी है। इसलिए जनता चाहती है कि जिस प्रकार से हमारी पार्टी ने दिल्ली में काम किया, उसी प्रकार की सरकार जनता यहाँ भी चाह रही है। यहाँ भी शिक्षा के लिए परेशान है, स्वास्थ्य के लिए परेशान है, रोजगार के लिए परेशान है, महिला सुरक्षा के लिए परेशानी है, जल जंगल जमीन के साथ साथ बिजली पानी तमाम मुद्दों के लिए जनता त्राहिमाम कर रही है। ऐसे में जनता एक योग्य सरकार चाहती है, एक जनता की सरकार चाहती है, वह है आम आदमी पार्टी की सरकार। इसलिए हम आश्वस्त हैं, उत्तराखंड की महान जनता देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से इस वक्त इस बार परिवर्तन होके रहेगा, और हमारी सरकार आने के बाद तुरंत हम वो सारी चीज़ें करेंगे जो अभी हम गारंटी दे रहे हैं जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड से बातचीत करने। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आप प्रवक्ता नवीन परसिल जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो उत्तराखंड में परिवर्तन आएगा, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार को लेकर कार्य किया जाएगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ प्रदीप तरमोला, उत्तराखंड। उत्तराखंड की हर खबर सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर।